हेलो दोस्तों, दिस इज वसुन नायक। फ्रीलांस में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम सीखेंगे विंडोज 7 के एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को कैसे रिसेट करें विदाउट यूज एनी सॉफ्टवेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपका कंप्यूटर डायरेक्टली पावर अप कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने विंडोज एरर रिकवरी स्क्रीन आएगा, जिसमें लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर ऑप्शन नहीं मिला तो आप अपना कंप्यूटर दोबारा से पावर अप कर लीजिए एंड लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर को सिलेक्ट करके एंटर कीजिए। ये हमारा विंडोज लोड हो रहा है। ये हमारा कंप्यूटर प्रॉब्लम सर्च कर रही है। उसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आया, Do you want to restore your computer using system restore? हम वो कैंसिल कर देते हैं। इस समय हमारा विंडोज प्रोसेस हो रहा है। इसे प्रोसेस होने के लिए कुछ समय लगेगी, इसलिए हम वीडियो पॉज करते हैं। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमारे सामने ये मैसेज आया है। इस मैसेज में हम व्यू प्रॉब्लम डिटेल्स, इसमें क्लिक करते हैं। व्यू प्रॉब्लम डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद हम लास्ट में जाते हैं। लास्ट में एक फाइल दिख रही है जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट की है, उसे हम क्लिक करते हैं। उसे क्लिक करने के बाद नोटपैड ओपन होता है। जैसे ही नोटपैड ओपन होता है उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ओ या फाइल में जाके ओपन में क्लिक करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर पे जाते हैं। कंप्यूटर ओपन करने के बाद आपको अपना सिस्टम ड्राइव में जाना होगा, मतलब आपके कौन से ड्राइव में विंडोज 7 इंस्टॉल है उस ड्राइव में आपको जाना होगा। उसके बाद आप विंडोज फोल्डर में जाइए। विंडोज फोल्डर जाने के बाद आप अपना फाइल टाइप चेंज कर लीजिए। फाइल टाइप डॉक्यूमेंट चेंज करके ऑल फाइल कर लीजिए। उसके बाद आप सिस्टम 32 फोल्डर में जाइए। फोल्डर में जाने के बाद हम utilman.exe उसका एक कॉपी ले लेते हैं और वहीं पे पेस्ट कर देते हैं। और utilman.exe को डिलीट कर देते हैं एंड cmd का नाम चेंज करके utilman कर देते हैं। उसके बाद हम सब क्लोज कर देते हैं और रिस्टार्ट करके देखते हैं हमें जो टेक्निक यूज किया वो काम कर रही है या नहीं। उसके बाद आप इजी ऑफ एक्सेस पे क्लिक कीजिए। इजी ऑफ एक्सेस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने सीएमडी ओपन हुआ है और इस पीसी का नाम यूजर नेम चेक करने के लिए हमें जो कमांड यूज करना होगा वो है नेट यूजर। इसके माध्यम से हम इस पीसी का यूजर नेम देख सकते हैं। उसके बाद हम टाइप करते हैं नेट यूजर, पेज देके यूजर का नाम, उसके बाद पेज देके स्टार्ट, उसके बाद एंटर की को पेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक पासवर्ड पूछा जा रहा है, हम वो ब्लैंक छोड़ देते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं और दोबारा से एंटर की प्रेस करते हैं और सीएमडी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम बिना कुछ पासवर्ड एंटर किए एंटर करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब जरूर करना।